सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। एंड क्या आपको भी अपनी सच्चाई के बारे में जानना है? अगर जानना है तो आप लोग पहले तो इस छोटे से क्लिप को देख लो, फिर बताना कि क्या आप में भी ये गुण पाया गया। देखो सच सच बताना, झूठ मत बोलना, वरना बहुत बड़ी पाप लगेगी। इंसान की 5 ऐसी सच्चाई जिसका गुण आप लोगों में भी पाया जा सकता है। सबसे पहला सच्चाई, इंसान अपनी आंखों पे कभी साबुन नहीं लगा सकता। दूसरी सच्चाई, इंसान अपने बालों को कभी गिन नहीं सकता। तीसरी सच्चाई, इंसान अपनी जीभ को बाहर निकाल के कभी सांस नहीं ले सकता। चौथी सच्चाई, अभी आपने अपनी जीभों को बाहर निकाल के सांस ली और मनी मन सोचा कि यार मैं तो सांस ले सकता हूँ। पांचवी सच्चाई, जब आप जीभ को बाहर निकाल के सांस ले रहे थे तब आप बिल्कुल कुत्ते की तरह दिख रहे थे। अरे यार ये तो मजाक था, मैंने सोचा कि यार क्यों ना तुम लोगों को भी थोड़ी बहुत हंसा देता हूँ। वैसे कौन कौन कुत्ता बना कमेंट में ईमानदारी से लिखना मत भूलना। एनीवेज आगे बढ़ते, क्या राइस्टार अपनी फेस रिवील करने वाला है? वैसे तो राइस्टार का बाय मिस्टेक फेस रिवील कब का हो चुका है, जहाँ की ज्ञान गेमिंग ने खुद राइस्टार का फेस रिवील कर दिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बट यहाँ पे दो लोंडे है तो सब लोग कंफ्यूज है कि कौन है राइस्टार कौन है राइस्टार। अब देखो जो भी हो, इस महीने राइस्टार का पक्का फेस रिवील होकर ही रहेगा, क्योंकि राइस्टार ने बोला था कि अगर इस लाइव स्ट्रीम पे 200,000 लाइक कम्प्लीट हो जाता है तो मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा। और यहाँ पे लाइक देखो भैया, 200,000 कंप्लीट होने वाला है। और ये नहीं कि राइस्टार ऐसे झूठे वादा करता है, ससुरा इतना बड़ा यूट्यूबर है, झूठे वादा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मतलब भाई इस महीने तुम लोगों को राइस्टार का चमकती दमकती फेस देखने को मिल जाएगा। वैसे कौन कौन राइस्टार का फेस देखने के लिए एक्साइटेड है कमेंट में जरूर बताना। एंड इसी के साथ अभी जो फ्री फायर बैन का लोचा चल रहा है वो भी फाइनली फिक्स हो चुका है। ससुरा फ्री फायर ने लाइट वर्जन निकाल के पबजी वालों के मुंह में इतना बड़ा गोबर ठूसा कि भैया उनकी तो एल लग गई। पबजी वाले नल्ले बोल रहे थे कि फ्री फायर ने पबजी का कॉपी किया, तो भैया ये देखो ये क्या है, पबजी अब फ्री फायर से चुरा के अपने गेम में रिवाइवल सिस्टम लाने वाला है, ताकि तुम सेम टू सेम फ्री फायर की जैसे ही बंदों को रिवाइव कर सकते हो। अब बताओ पबजी वाले कौन किसका कॉपी कर रहा है? वैसे जब खुद के घर शीशे की हो तो दूसरे के घर पे पत्थर मारा नहीं करते, और फ्री फायर वाले तुमसे घंटा नहीं डरते। इन लोगों ने एक भ्रम पाल लिया कि क्राफ्टन के केस के वजह से फ्री फायर प्ले स्टोर से रिमूव हुआ है। बेटा तुम्हारी केस के वजह से फ्री फायर को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। अगर सच में ऐसा हुआ होता तो ये क्राफ्टन वाले पूरे सोशल मीडिया हैंडल पे ढिंढोरा पीट के सबको बताते कि हमने फ्री फायर को बैन कराया। और इनकी औकात तो देखो, जब तुम फ्री फायर प्ले स्टोर पे सर्च करते हो तो तुम्हें ऊपर BGMI शो होगी, क्योंकि इन्होंने प्ले स्टोर वालों को पैसा देके ऐड लगाया है। क्योंकि भैया सर्च करने पे BGMI बिल्कुल भी ऊपर शो नहीं हो रहा था, तो ऐड तो लगाना ही पड़ेगा। और जब ऐड ही नहीं लगाएंगे तो इन लोगों का डाउनलोडर कैसे बढ़ेगा? एंड इसी के साथ अब फ्री फायर मैक्स पूरा का पूरा इंडिया का होने वाला है, जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता। तुम लोग खुद देख सकते हो फ्री फायर ने उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल पे चेंजेस किया है। जहाँ पहले फ्री फायर था अब उसको बदल के फ्री फायर मैक्स इंडिया लिख दिया है। अब देखो सीधी सी बात है कि फ्री फायर 100% बैन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसके पास भी फ्री फायर डाउनलोड है उसके मोबाइल में एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, और नए नए इवेंट भी देखने को मिल रहा है। और 3 तारीख के बाद तो एकदम से इवेंट की बारिश होने वाली है, क्योंकि भैया फ्री फायर को अपने नुकसान भी तो कवर करना है। ये जितने भी रियर बंडल है सारे के सारे वापस आ सकते हैं। क्या पता कि फ्री फायर वाले ज्यादा पैसों के लालच में हिप हॉप और सकुरा को भी वापस दे दे। अब देखो फ्री फायर का कोई भी भरोसा नहीं है, फ्री फायर है तो मुमकिन है। वैसे मुझे तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या तुम लोग फ्री फायर खेलते हो या फिर फ्री फायर मैक्स? आई एम डैम श्योर कि ज्यादातर बंदे फ्री फायर ही खेलते हैं, क्योंकि उनके पास उतना हाई एंड डिवाइस नहीं है। तो इनका एक क्वेश्चन था कि भाई अगर सच में फ्री फायर बैन हो गया तो क्या फ्री फायर लाइट आएगा? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि फ्री फायर लाइट इतना जल्दी नहीं आएगा। जितना वक्त फ्री फायर मैक्स को आने में लगा था उतना ही वक्त फ्री फायर लाइट को आने में लगेगा, लेकिन आएगा जरूर। एंड जिसके फोन में फ्री फायर है उसके फोन में हमेशा चलेगा फ्री फायर, और जिसके फोन में फ्री फायर नहीं है वो अपने दोस्तों के फोन से शेयरिट की मदद से अपने फोन में ले सकता है और एकदम मजे से खेल सकता है। और फ्री फायर के अंदर में जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट आएगी वो गेम के अंदर से ही तुम अपडेट कर सकते हो, ना ही तुम्हें प्ले स्टोर पे जाने की जरूरत है, ना ही तुम्हें ऐप स्टोर पे जाने की जरूरत है। तो किसी को भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे फ्री फायर बैन नहीं हुआ है, बस प्ले स्टोर से रिमूव हुआ है। अगर फ्री फायर सच में बैन हुआ होता तो किसी का भी फोन में फ्री फायर नहीं चलता। तो आज की मजदूरी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके आगे बढ़ना, और शेयर तो जरूर से कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके पुराने बन जाओ। सो मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।